नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसा कार्यक्रम है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपके हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियाँ दूर होंगी। दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए, इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और साथ ही साथ जानेंगे आपके भाग्य का मीटर कैसा होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, वो है अखंड साम्राज्य राजयोग के बारे में। और यहाँ पर आचार्य जी से उसके लाभ के बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ ही बहुत सारी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी होने वाला है और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप भी अपना सवाल भेजकर यहाँ आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली चार राशियों के बारे में और जानते हैं उनका आज का राशिफल। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले, आज आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आज आपको राज्य से सम्मान प्राप्त होगा। भौतिक विकास के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, दिन का लाभ लीजिए। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 5 और भाग्य का मीटर 75% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आप कोई नई योजना बनाने में लगे हैं। धर्म स्थान पर जाना आज आपको मन को सुकून और लाभ देगा। आज सफलता आपके कदम चूमेगी। माँ सरस्वती की आराधना करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 7 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आपका दिन मन चाहे कामों में गुजरेगा। आज आप अपनों को और अपने आप को सुख प्रदान करेंगे। किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 75% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन बहुत सृजनात्मक है। आज आपके पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और नया काम करने का भी आपको मौका मिलेगा। आज मंदिर में दूध चढ़ाना दिन की शुभता को बढ़ाता है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, ये खास कार्यक्रम नक्षत्र आप सभी लोगों के लिए है जिससे आपके जीवन में जो तमाम सारे कष्ट, बाधाएं, समस्या और रुकावटें आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं या फिर किसी शुभ कार्य को करने के लिए जाते हैं लेकिन वो काम रुक जाता है, नहीं हो पाता, ऐसी तमाम सारे परेशानियां आए दिन हमारे जीवन में लगी रहती हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर इनका कारण क्या है और कारण के साथ साथ उनका निवारण भी क्या आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। और अगर यहाँ पर आप संपर्क करना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। इन्हीं मेल पर आपको मेल करना है, आप अपना सवाल भेज सकते हैं और सवाल भेजने के साथ साथ आपको छोटी छोटी सी कुछ डिटेल्स देनी है। डिटेल्स देकर के आप यहां पर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। यहां आचार्य जी आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे से उपचार लेकर आते हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय लेकर आते हैं जिसके माध्यम से आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आसानी से दूर हो सकती है और आपका जीवन भी खुशहाल बन सकता है। आचार्य जी, हम जिक्र करते हैं सवाल जवाब का, तो क्यों ना उसको शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास मेल आया है राघव का, जो कि साहिबाबाद से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1998 और समय है शाम का 7 बजे। और इनका प्रश्न है कि मैंने IMS से BBA कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई प्लेसमेंट नहीं मिली है,
आप कोई उपाय बताइए और कोई मार्गदर्शन करिए। जी आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन और तुला राशि की है और इनको इन्होंने जो किया है उसमें प्लेसमेंट की इनकी समस्या है, वो नहीं मिल पा रही है। तो इनके हम दशम भाव को देखेंगे और गुरु की स्थिति को देखेंगे। इनके दशम भाव में बुध की राशि कन्या उदित होती है और गुरु वो स्वयं उसको देख रहे हैं दशम भाव को, और गुरु की दशा चल रही है केतु के साथ जो कि चलेगी नवंबर 2023 तक। 17 नवंबर 2023 तक आपका समय स्लो रहेगा क्योंकि गुरु और केतु का कुयोग कुंडी में इस समय बना हुआ है। इस समय को निकलने दीजिए, उसके बाद आपका समय अच्छा है, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे कर पाएंगे। साथ साथ आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जितना आप गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी का मंत्रों का जाप करेंगे, बुध के मंत्रों का जाप करेंगे, उतनी जल्दी आपको करियर में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, करियर में तरक्की चाहते हैं तो बिल्कुल जो उपाय यहाँ आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में भी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। जिन भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी एक और यहाँ पर मेल ले लेते हैं। रीता देवी हैं जो कि गोरखपुर से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1995 और समय है सुबह का 10:30 बजे। इनका प्रश्न है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं और अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ। आप कोई उपाय बताइए, क्या मुझे शादी अभी करनी चाहिए? जी आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मकर लगन और मीन राशि की है और ये करियर से संबंधित इनका प्रश्न है। दशम भाव को हम देखेंगे। दशम भाव इनका राहु केतु एक्सिस में आया हुआ है और अभी शुक्र में राहु की ही दशा चल रही है जो कि चलेगी अप्रैल 2024 तक। तो अगले 6 महीने तक आपको वेट करना चाहिए। तब तक जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए। अगर अभी आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया तो आपको पश्चाताप उठाना पड़ेगा, इस चीज़ की वेट कीजिए। और माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार को एक जोत का पैकेट और गाय का घी अर्पण करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होगा और जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं कर पाएंगे। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन तभी जब आप इन उपायों को जरूर फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल आगे बात करेंगे सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर और जानेंगे इनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले आज का दिन बहुत व्यस्तता भरा है। आज आप अपने पुराने कार्यों को पूरा करेंगे। अधिकारी वर्ग आज आपको कुछ अड़चन दे सकते हैं। चींटियों को आटा डालना आज विशेष फलकारी रहेगा। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 7 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले आज आपको बहुत संयम रख के चलना होगा, नहीं तो नए विवाद जीवन में आज खड़े हो सकते हैं। भाग्य का साथ आज बिल्कुल नहीं मिलेगा तो संयम रह के दिन को गुजारिए। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 3 और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले आज का दिन बहुत लाभदायक है, नई योजनाएं प्रारंभ होगी। जमीन का कोई विवाद यदि चल रहा है तो आज उसका समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 55% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले आज आप कुछ नया प्रयत्न करेंगे तो नई सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख शांति के लिए आपको मेहनत करके लाभ लेना पड़ेगा। धर्म कार्य आज कीजिए। बाल हनुमान के दर्शन करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करने जा रहा है। तो यहाँ अन्य 4 राशियों के बारे में बताया आचार्य जी ने, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी आज हम राजयोग के बारे में एक बात करने वाले हैं और वो है अखंड सम्राज राजयोग। नाम से ही पता चल रहा है अखंड सम्राज राजयोग, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये राजयोग कुंडली में आता है तो आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हमारे दर्शकों का भी सवाल है कि सभी को क्या इसका समान फल मिलता है या अलग अलग फल भी इसके मिलते हैं। जी चेल्सी जी, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया। आज का जो हमारा प्रश्न है अखंड साम्राज्य राजयोग, क्या होता है अखंड साम्राज्य राजयोग और ये कैसे बनता है कुंडली में, इसकी एक विवेचना हम करते हैं। यह योग केवल उन्हीं कुंडलियों में बनता है जो स्थिर लगन की कुंडलियाँ होती हैं। और स्थिर लगन की कुंडली कौन सी होती है? वृषभ लगन की कुंडली,
सिंह राशि की कुंडली, वृश्चिक राशि की कुंडली और कुंभ राशि की कुंडली। यह योग तब भी बनता है जब बृहस्पति दूसरे, पांचवें या ग्यारहवें भाव के स्वामी हो जाते हैं। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लगन के लिए एकादश भाव, सिंह लगन के लिए पंचम भाव और वृश्चिक लगन के लिए दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, उनके कारक माने जाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जब कुंडली में, चंद्रमा की स्थिति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कुंडली के दूसरे, नौवें, ग्यारहवें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के साथ मजबूत स्थिति में बन जाए तो भी अखंड साम्राज्य योग बनता है। यह दुर्लभ योग तभी बनता है जब कुंडली के दूसरे, दसवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में हों। और अखंड साम्राज्य योग के क्या लाभ हैं? जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है जिसका वह अकेला मालिक बनता है। कुंडली में यह योग जातक को करियर, व्यापार के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्रदान करता है। इस योग की वजह से जातक हर तरह के सुख सुविधा को भोगता है। जातक को अप्रत्यक्ष धन की भी संभावना रहती है मिलने की। इसके अलावा इस योग से बनने वाली कुंडली में सभी अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। कुंडली के पांचवें घर में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को उच्च शिक्षा, संतान सुख का पूर्ण फल प्रदान करता है। कुंडली के ग्यारहवें भाव में बनने वाला योग दुर्लभ होता है और जातक को उपक्रमों में सफलता और सभी उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुंडली के नौवें भाव में बनने वाला योग जातक को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरे भाव में बनने वाला योग समस्त प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। स्टॉक, शेयर बाजार, लॉटरी से व्यक्ति को बड़े धन की प्राप्ति यह योग करवाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। अखंड साम्राज्य राजयोग के बारे में आचार्य जी ने बताया, उनके लाभ के बारे में बताया, कुंडली में उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी यहाँ पे हमने जानकारी प्राप्त करी। आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज का दिन बहुत सावधानी बरत के निकालने वाला है। व्यापार में कोई जोखिम मत लीजिएगा अन्यथा बड़े नुकसान और धोखा मिलने का योग है। माँ पार्वती की आराधना करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 9 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपको शनिदेव गुस्सा दिला रहे हैं, बिना किसी वजह से विवाद खड़े हो रहे हैं। वाहन चलाने में सावधानी बरतिएगा वरना एक्सीडेंट होने का योग है। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 2 और भाग्य का मीटर 55% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपके बॉस आप पर मेहरबान है। आज आपको किए हुए मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग देगा। मीन राशि वाले, आज धन के लाभ का बड़ा योग है। व्यापारियों को कुछ बड़े ऑर्डर मिलेंगे यदि वो प्रयास करें तो। आज रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। पिता का आशीर्वाद लेना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। तो आगे बात करेंगे बॉडी टिप्स में कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें भगवान विष्णु को पीला चंदन भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना है। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष सफलताओं और खुशियों से भरा हुआ गुजरेगा। आगे मैरिज टिप्स में हम बात करेंगे, जिनकी भी आज शादी के साल गिरा है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी आज शादी की साल गिरा है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण को मुकुट भेंट कर उनका आशीर्वाद यदि लेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। आज के लिए कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए जानेंगे हम अवॉइड ऑफ द डे में। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें कद्दू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, इस सब्जी को नहीं खाना है नहीं तो ये गोमांस खाने के बराबर होगी। जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। टिप्स ऑफ द डे में आज भगवान गणेश को सीताफल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा दिन
बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और लाभकारी आपका गुजरेगा। तो बिल्कुल इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे, लगातार इतना सहयोग कर रहे, इतना प्यार दे रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।